होशियारपुर जंगलात विभाग नूं एक वड्डी कामयाबी हासिल हुई पिंड बसी उमर खां तों जदों जंगलात विभाग ने एक तेंदुए नूं रेस्क्यू किया। जी हाँ, होशियारपुर के पिंड बसी उमर खां तों एक तेंदुए नूं जंगलात विभाग होशियारपुर वालों रेस्क्यू किया गया। दरअसल जंगलात विभाग के अधिकारियों नूं जानकारी मिली सी कि एक तेंदुआ जो कि तारां दे विच फसिया होया है, उसकी जानकारी जिदा ही जंगलात विभाग के अधिकारियों नूं मिली तां ओह फौरन ही अपनी रेस्क्यू टीम नूं लैके मौके ते पहुँच गए। जिदा ही रेस्क्यू टीम मौके ते पहुंची तां उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बड़ी कड़ी मुशक्कत ते मेहनत तो बाद, बड़े लंबे समय तो बाद, तेंदुए नूं सही सलामत रेस्क्यू किया गया। इस पूरे मामले संबंधी जानकारी सांझी करते हुए रेस्क्यू विभाग के अधिकारियों ने की दस्या है, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। अज सवेरे सानू कोई 8:30 के करीब ना सूचना मिली सी कि बसी उमर खान जिहड़ा गाँव है उहदे कोल किते लैपड़ जिहड़ा वा उह ट्रैप होया पिया किसी तारां च। ते मैं तुरंत अपने जिहड़े रेंज अफसर हुशियारपुर ने बलबीर सिंह जी उहनां नूं हदायत की कि टीमां लै के जिहड़ियां उत्थे पुज्जन। असीं 4 टीमां तुरंत बनाईआं जिहदे च कि इक क्विक रिस्पोंस टीम सी जिहड़ी तुरंत मौके ते पुज्जी 20 मिंट दे विच और जा के ते एरिए नूं उहनां ने टेक ओवर कीता। पुलिस को असी इनफॉर्म किया ताकि लोग जोड़े उत्थे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं जिद एनीमल अग्रैसिव हो जाता बहुत ज़्यादा। पुलिस ने भी अपनी ड्यूटी बहुत वधिया की। तीसरी असी वैटनरी जोड़े डिपार्टमेंट आ उन्हों की प्रेजेंस ट्रैंकुलाइज करना होंगे उन्होंने इनफॉर्म किया सीनियर वैटनरी अफसर और डॉक्टर साहब का नाँ की है गोजरा साहब ने डॉक्टर साहब जोड़े कि वह भी मौके पर पहुँच गए और उन्होंने साड़ी पहले भी काफ़ी हैल्प की है। और चौथी टीम जी वो असी पिंजरे नैट्स वगैरह जो भी बॉडी आर्मर है ये लैके साढ़े 9 बजे तक सारी टीम जीडियाँ उत्थे मौके पर पहुँच चुकी सगिया। और एनीमल क्योंकि बहुत अग्रैसिव हों जो फसया हों उन्होंने ये नहीं पता हों कि मैं बचा रहे हैं कि जो मैं मारन आ रहे हैं और उन्होंने काम डाउन करने असी 2 घंटे उन्होंने जोड़ा वह रेस्टिंग पीरियड दिता और 11 बजे असी पहला ट्रैंकुलाइज अटैम्प्ट किया जोड़ा कि मिस हो गया और फिर असी 11:15 बजे दूसरा जिन्होंने उन्होंने शॉट दिता जो सक्सैसफुली लग गया उन्होंने और एनीमल सडेट हो गया 15-20 मिनट से। 11:30 बजे असी उन्होंने अपने कब्जे लैके तो पिंजरे च पा लिया और डॉक्टर साहब ने उत्थे जो मुआयना करके देखा कि उन्होंने कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं सी। उदी एनीमल की एक अख ऑलरेडी है नहीं कि पुरानी फाइट फुइट किसी एनीमलों के एक अख उ जा चुकी है पर जख्म पूरा हील अप हो चुका वह कोई उन्होंने नुकसान नहीं है फिलहाल। तो फिर असी उन्होंने जोड़ा वै रिवाइव किया 15 मिनट बाद और एनीमल जोड़ा डॉक्टर साहब ने सर्टिफाई किया कि पूरा फिट एंड फाइन है रिलीज़ करने। साढ़े को 2 मोड होंगे ने जो एनीमल इंजर्ड है वो किसी ने जंगल दे एक बार छड़ दोगे फिर तो किसी ने देखभाल नहीं करनी जख्म जोड़ा वो इनफेक्शन हो गई तो ही विल डाई। वो जेकर इंजरी हो फिर असी अपने जोड़े वैटनरी होस्पिटल छतबीड़ जू च उत्थू भेज दें जो तक वो इंजरी हील नहीं होंगी अगला फिर स्टैप उदों बाद रिलीज़ करन दा जां कैप्टिविटी रखन दा डिसीजन पिछले वार्डन लैंदे ने। जे एनीमल फिट फॉर रिलीज़ है तो साडी प्रैफरेंस हुंदी है कि जिहड़ा नैचुरल एनीमल हैबिटैट च रहन रिहा उहनूं असीं कैप्चर ना करिए उहनूं रिलीज़ कर दईए। सो लकीली ये एनीमल फिट फॉर रिलीज़ है और असीं इहनूं शाम तक सेफ हैबिटैट दे विच रिलीज़ कर देंगे। और सानूं बड़ी खुशी है कि साढ़े स्टाफ की मेहनत करके असी एक जानवर की जान अज बचा पाए हैं। और मैं इतने भी दसना चाहवागा कि साढ़े को स्टाफ की बहुत कमी है पर उदे बावजूद साढ़ा स्टाफ बहुत वधिया काम कर रहा। रात पूरी दोनों रेंजा का स्टाफ 9 बजे तो लैके 6:30 बजे तक नाइट पेट्रोलिंग करता रहा और 7 बजे घर पुजे ने तो 7:30 बजे इन्हों 8 बजे सॉरी फिर इन्हों वापस बुला लिया और इन्होंने फुल एनर्जी के नाल रेस्क्यू किया। अजक त्यौहारों के दिन है लोग त्यौहारों बिजी ने धनतेरस है लोग मना रहे हैं पर साडा जिहड़ा स्टाफ है उहदी धनतेरस इहो ही है कि असी जिहड़ा साडा वडमुला कुदरती सरमाया है उहदी रक्षा करिए और उहदे च अज असी कामयाब रहे हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन दे विच जिस तरीके दे नाल हर विभाग दे वल्लों अपनी भूमिका नूं बड़े ही बखूबी ढंग दे नाल निभाया गया है उस दे नाल अज एक तेंदुए की जान बच पाई है। उम्मीद है आने वाले समय दे विच भी हर प्रशासन दे वल्लों अपनी भूमिकावां नूं अजिहे ढंग दे नाल बड़ी बखूबी दे नाल निभाया जाएगा अते जिस दे नाल साडे समाज दे विच चंगा बदलाव आउंदा रहेगा। होशियारपुर तों अमरीक कुमार दी रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।